नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डायमंड और क्वार्ट्ज रफ स्टोन को हम कैसे पहचान कर अलग कर सकते हैं, कैसे हम घर पर ही कुछ घरेलू चीजों से एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण बनाकर इसकी जांच कर सकते हैं। आप सबके बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज, कॉल्स और कमेंट्स आते रहते हैं, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर एक सवाल जो आप सबके द्वारा बार बार पूछा जाता है कि डायमंड के रफ को और क्वार्ट्ज के रफ को हम कैसे अलग कर सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो रफ डायमंड है या क्वार्ट्ज रफ या कोई और मिनरल्स है, हम इसे कैसे अलग कर सकते हैं। क्या इसे पहचानने का कोई सरल या आसान तरीका है? क्या कोई आम इंसान भी इसकी पहचान कर सकता है? जी हाँ, आप भी बिल्कुल पहचान सकते हैं। बस इसके लिए आपको इस वीडियो में बताए गए तरीकों को ध्यान से देखना होगा, बताए गए कुछ आसान से तरीकों को फॉलो करना होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं। अक्सर हमारे यहाँ लेबोरेटरी में कस्टमर डायमंड रफ टेस्ट करवाने आते हैं, जिनमें से कुछ लोगों के पास क्वार्ट्ज रफ होता है, जिसे वे डायमंड समझकर टेस्ट करवाने आते हैं। और जब स्टोन की रिपोर्ट क्वार्ट्ज आता है तो वो लोग बड़े मायूस हो जाते हैं। और ऐसा कईयों के साथ होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोगों को ये जानकारी है कि शीशे पर स्क्रैच कर डायमंड को टेस्ट कर सकते हैं, या कहे अगर डायमंड होगा तो शीशे पर स्क्रैच हो जाएगा या शीशा कट जाएगा, जो कि एक बिल्कुल ही गलत जानकारी है, जिसके लिए हमने एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे दिया गया है, जिसे एक बार जरूर देखें। शीशे पर स्क्रैच हो जाना इसका मतलब वो स्टोन डायमंड ही होगा, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत होगा। डायमंड काफी महंगा होता है, क्योंकि डायमंड काफी रेयर होता है, जो कि डायमंड काफी रेयर होता है इसलिए डायमंड काफी मुश्किल से पाया जाता है। ज्यादातर लोग जिनके पास रफ स्टोन्स है, उनके पास ज्यादातर क्वार्ट्ज स्टोन या कोई और मिनरल्स है, क्योंकि डायमंड काफी रेयर होता है। हो सकता है आपके पास भी डायमंड रफ हो, जो कि संभव भी है, पर इसे पहचानने के लिए आज हम बात करने वाले हैं स्टोन की प्रॉपर्टीज के बारे में। हर स्टोन की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, और इन अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर ही कोई भी लेबोरेटरी अलग अलग प्रॉपर्टीज की जांच कर ही किसी स्टोन की पहचान कर सकती है। आज हम जिस प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं उसे ऑप्टिक कैरेक्टर कहते हैं, जिसे जांच करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपकरण की जरूरत होती है, जिसे हम पोलारिस्कोप कहते हैं। जी हाँ, ये वही इंस्ट्रूमेंट है यानी कि उपकरण, जिसे आज हम घर पर ही कैसे बना सकते हैं हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिसमें स्टोन की ऑप्टिक कैरेक्टर की जांच की जाती है, जिसमें ये पता चलता है कि स्टोन SR है या फिर DR स्टोन है। SR यानी सिंगल रिफ्लेक्शन, DR यानी डबल रिफ्लेक्शन। डायमंड जो कि एक SR स्टोन है यानी कि सिंगल रिफ्लेक्शन स्टोन, वही क्वार्ट्ज जो कि एक DR स्टोन है यानी कि डबल रिफ्लेक्शन स्टोन। तो आइए देखते हैं इसे पोलारिस्कोप में कैसे जांच करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्टोन है, ये स्टोन टेस्ट होने आया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, नजदीक से देखिए, ठीक है, ये स्टोन टेस्ट होने आया है, हालांकि ये डायमंड टेस्ट होने आया है। आज हम इस स्टोन की डायमंड टेस्ट करेंगे, और टेस्ट करके ये पता करेंगे कि ये डायमंड है या कोई और स्टोन है। इसे टेस्ट करने के लिए हमें कुछ छोटी चीजों की जरूरत होगी, एक तो आई लूप की जरूरत है, और आज ये एक मैजिकल शीट्स है जिसके बारे में आज आपको बताएंगे। ये वही शीट्स है, जी हाँ, ये वही शीट्स है जिसके बारे में मैंने वीडियो में भी आपको बताया है कि हम घरेलू चीजों से कैसे बना सकते हैं। ये पोलारिस्कोप के लिए यूज होता है, इसे एक एनालाइजर कहते हैं और एक पोलराइजर कहते हैं, ठीक है। इसे हम घर पर ही हमें अवेलेबल हो जाएगा, और बहुत बेसिक तरीके से ही घर पे ही कुछ चीजों पे आपको मिल जाएगा। हर घर में ये अवेलेबल है, और वैसे ये ऑनलाइन भी मिल जाता है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसे हम कैसे देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इससे हम स्टोन की कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये एक शीट है जिसे हम एनालाइजर कहेंगे, और एक दूसरी शीट है जिसे हम पोलराइजर कहेंगे, ठीक है। तो पोलारिस्कोप में ये इस तरह से सेट होता है, एक एनालाइजर और एक पोलराइजर, ठीक है। तो चलिए हम आपको इमेज के थ्रू से दिखाते हैं कि ये कैसे काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बॉक्स है, और ये बॉक्स मैंने ऑनलाइन पार्सल या किसी भी तरह से, कोई बॉक्स आते हैं पैकिंग वाले, उस पैकिंग बॉक्स से ही बनाया गया है, ठीक है। इस पे हमने एक यहाँ सर्कल से कटिंग किया है, और एक अंदर में सर्कल कटिंग है जो आप देख रहे होंगे, ये अंदर सर्कल कटिंग है। ये जो हमारा मैजिकल शीट्स है,
एक पोलराइजर और एक एनालाइजर, ये हम इस तरह से इसे फिक्स करेंगे। एक जो ग्लास यहां लगेगा और एक ग्लास यहां लगेगा, हमने इस तरह से इसे कटिंग किया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये हमने ये स्टैंड बनाया है जिसे हमने यहां पे कट करके इसे फिक्स किया है, ठीक है। लगभग इतना गैप रहेगा और ये जो सर्कल है ये बिल्कुल बराबर होने चाहिए। देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। इसके अंदर एक लाइट फिक्स होगी, अंदर से हमें एक लाइट सोर्स देनी होगी। वैसे मैंने यहाँ कटिंग किया है, या तो आप चाहे तो मोबाइल की लाइट्स ऑन करके आप मोबाइल को यहाँ से इंसर्ट करा दे, या फिर इसके अंदर आप कोई बल्ब भी लगा सकते हैं, छोटी वाली छोटी बल्ब लगा दिया, कोई भी लाइट सोर्स जिसके अंदर, जिससे यहाँ पे अंदर में लाइट इसके जरिए है। और ये जो हम ग्लास लगाएंगे, जो मैं भी आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा सारी चीजें, हम ये ग्लास लगाएंगे और अंदर से लाइट्स आने चाहिए ताकि हमें वो इमेज अच्छी तरह से नजर आए, ठीक। तो फिलहाल ये बॉक्स है। आप सोच रहे होंगे कि बॉक्स ऐसा क्यों बना है, बिल्कुल ऐसा डब्बे सा बड़ा अजीब सा लग रहा है। दरअसल ये मैंने इसलिए बनाया है, इसको बहुत अच्छे से बनाया जा सकता था, बट हमारे पास बहुत ऐसे क्लाइंट है, हमारे पास ऐसे कॉल्स आते हैं जो बहुत गांव से होते हैं, कोई किसान है, कोई मजदूर है जो खेती करते हुए उनको स्टोन्स मिल जाते हैं, तो बहुत आम इंसान होते हैं। अगर मैं चीजों को टेक्निकल नहीं बनाना चाहता, अगर इस चीजों को बहुत ज्यादा टेक्निकल बनाऊंगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। मैं चाहता था मैं ऐसी एक वीडियो बनाऊं आपके लिए, इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट बनाऊं ताकि कोई एक आम इंसान भी, मतलब ये ऐसा है कि एक बच्चा भी बना लेगा। मैं चाहता ही ऐसा है कि आपके सामने एक चीज ऐसी प्रेजेंट करे कि उसको कोई एक बच्चा भी उसको बना ले और उसे तैयार कर ले, और एक छोटे बच्चे को भी समझ में आ जाए कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। मेरा इंटेंशन यही है। अभी तक इंटरनेट पे या यूट्यूब में इस तरह के वीडियोस अभी तक एक भी अवेलेबल नहीं है, किसी ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाना नहीं सिखाया है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट्स में मिलते हैं खरीदने को, जो एक्सपेंसिव भी होते हैं, हर आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर सकता, वो लेबोरेटरीज में ही होते हैं। तो ये आप समझ गए हैं कैसे है। मैं एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूं, ये बॉक्स है जो मैंने पूरा बंद किया हुआ है, यहां से हमने एक कट लगाया है जिसमें ऐसा मोबाइल की लाइट लगा के डाल सकते हैं, या फिर कोई भी लाइट का सोर्स, कुछ स्टडी लाइट्स है कुछ भी है, या फिर आप एक बल्ब लगा होल्डर लगा के बल्ब लगा के भी अंदर में एक लाइट सोर्स दे सकते हैं। इंटेंशन एक ही है कि अंदर सिर्फ लाइट जलनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक हम ये एनालाइजर जो है इसे हम अंदर सेट करेंगे, यहां पे रखेंगे, ठीक है। एक ये पोलराइजर है, ये हम ऊपर रखेंगे, और जो ये स्टोन होता है ना, जो स्टोन हमें चेक करना है, जैसे ये स्टोन हमारे हाथ में जो मैं टेस्ट करने वाला हूं आपके सामने, इस स्टोन को इस बीच में यहां रखना होता है, और जब हम लाइट ऑन करेंगे तो इस हमें यहां से देखना है, इसे सेट करने के बाद, वो मैं भी आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। लाइट जलने के बाद हमें इस स्टोन को धीरे धीरे ऐसे घुमाना है, आप देख सक रहे हैं, लाइट जलने के बाद इस स्टोन को हम धीरे धीरे ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है। जब हम इस चीज को ऐसे ऐसे घुमाएंगे यहां पे, तो इसमें एक इफेक्ट दिखती है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि वो इफेक्ट क्या होता है, जिससे हम इसका एसआर और डीआर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था, एसआर यानी सिंगल रिफ्लेक्शन जो कि डायमंड होता है, डीआर यानी डबल रिफ्लेक्शन जो कि क्वार्ट्स होता है या और भी बहुत मिनरल्स होते हैं, ठीक है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल में बताते हैं कि हम कैसे जांच करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बॉक्स हमने सेट कर दिया है, ठीक है। ये लाइट सोर्स है और ये हमने एक लाइट लगाया है, जैसा हमने बताया था कि स्टैंड लैंप है। देखिए ये लाइट ऑन हो जाता है, ठीक है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, पहले एक शीट्स है जैसा कि मैंने बताया था, इसे हम बॉटम लाइन पे सेट करेंगे, ये ऊपर ऐसे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला शीट है, एक पोलराइजर और एक एनालाइजर, ठीक है। ये दोनों एक ही शीट है, बट इसको नाम पोलराइजर और एनालाइजर कहा जाता है। इसे हम यहां ऊपर प्लेस करेंगे और देखिए होता क्या है। हम जैसे ये लाइट ऑन करेंगे, देखिए आपको ये लाइट नजर आ रही है, गौर से आप देखिएगा, इसमें कुछ इफेक्ट होगा। देखिए जैसे हम इसके घुमाते हैं इसे, तो धीरे धीरे देखिएगा लाइट अंधेरी हो रही है, देखा आपने दोस्तों, जबकि देखिए लाइट जल रही है ये, लेकिन ये क्या हुआ, ब्लॉक हो गया, ठीक है। फिर जैसे हम इसे घुमाते, देखिए ये ब्राइट हो जाएगा, आप देख रहे हैं ये मैजिक। मैंने इसे मैजिकल शेड्स क्यों कहा था,
ये एक्चुअल में मैजिकल शीट्स है। देखिए ये रोशनी जल रही है, ऐसा नहीं है, देखिए आप यहां पे देख सकते हैं, देखिए ये होता कैसे है। मैं एक छोटा सा आपको रीजन बता रहा हूं, ये जो ग्लास शीट्स है ना, इनमें बहुत बारीक बारीक लाइंस जैसे बने होते हैं। इसको बहुत आसानी से अगर आप समझना चाहें तो मान लीजिए ये हमारे फिंगर्स है, इसमें रोशनी पार हो रही है और जैसे हम इसे टिल्ट करेंगे देखिए ये ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो ये सिंपल ऐसा ही काम करता है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप ये, इसे हम टिल्ट करेंगे तो ये ब्राइट हो जाएगा और इसे टिल्ट करेंगे तो ये हमारा डार्क हो जाएगा। हमें इसे डार्क में ही सेट करना है, इसे बिल्कुल डार्क में सेट करना है। देखिए कोई लाइट पास नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो स्टोन है जिसे हमें टेस्ट करना है, जिसका हमें ऑप्टिक कैरेक्टर निकालना है, इस स्टोन को हम नीचे इस ग्लास के ऊपर रखेंगे, इसे इस तरह से यहां जैसे देखिए आपको फिंगर में नजर आ रहा होगा हमने यहां रखा है। अब हम इस ग्लास को नहीं, इस स्टोन को घुमाएंगे। स्टोन को आप धीरे धीरे टिल्ट करें, देखिए ये स्टोन क्या हो रहा है, ये ब्राइट हो गया। अब देखिए ये क्या हुआ, डार्क हो गया। देखिए हम इसे फिर घुमाते हैं, सिर्फ स्टोन को घुमाना है। देखिए ये स्टोन धीरे धीरे ब्राइट हो गया और फिर ये धीरे धीरे देखिए डार्क हो गया, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, ये देखिए ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक डीआर स्टोन है, यानी डबल रिफ्लेक्ट कर रहा है। डबल रिफ्लेक्ट मतलब एक बार वो ब्राइट हो रहा है, एक बार डार्क हो रहा है, यानी एक बार वो जल रहा है, एक बार वो बुझ रहा है। जो जल रहा है और बुझ रहा है, ये देखिए एक बार ये जल रहा है और एक बार बुझ रहा है, ठीक है। अगर ये ऐसा जल रहा बुझ रहा हो रहा है, जैसे लगता है किसी कोई लाइट जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये कौन सा स्टोन होगा, ये इसे हम डीआर स्टोन कहेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या प्रूव होता है कि ये जो स्टोन है ये डायमंड नहीं है। अगर ये डायमंड होता है तो इस तरह से जलता बुझता ऐसा नहीं होता है। अगर ये डायमंड होता तो ये सिर्फ ब्राइट रहता है, मतलब सिर्फ इस पोजिशन में रहता है ऐसा। ये जो अंधेरा हो जा रहा है घुमाने से, ये नहीं होता है, ये ऐसा ब्राइट में रहता है अगर ये डायमंड होता है, अगर ये कोई एसआर स्टोन होता है, ठीक है। सिर्फ डायमंड होना ये कहना गलत हो जाएगा, अगर ये कोई एसआर स्टोन है तो एसआर स्टोन ये ब्राइट होता है। वैसे जितने भी जेम्स पाए जाते हैं, जितने भी जेम स्टोन होते हैं, वो सारे डीआर स्टोन ही होते हैं ज्यादातर। एसआर कुछ गिने चुने होते हैं, डायमंड होता है, स्पिनल होता है, गार्नेट होता है, ये सारे कुछ एसआर स्टोन होते हैं। और ज्यादातर स्टोन्स जो है वो सब डीआर में ही आते हैं। तो ये आप समझ रहे हैं डीआर स्टोन कैसे है जी। चलिए मैं अब आपको एक एसआर स्टोन का टेस्ट करके बताता हूं। ये देखिए मैंने तीन स्टोन्स अभी सामने रखे हैं, इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। पहले हम इसे डार्क फील्ड में सेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया डार्क फील्ड में सेट। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा पहला स्टोन था ये आपने देख ही लिया है कि ये कैसे डीआर में हो रहा है। हमारे पास एक दूसरा स्टोन है, ये आप देख सकते हैं, चलिए इसे चेक करते हैं ये एसआर है या डीआर स्टोन है, ठीक है। तो हम इसे अंदर रखते हैं और आराम से हम क्या करेंगे, इस स्टोन को देखिए हम इसे घुमाएंगे। आपको दिख रहा है दोस्तों, देखिए इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, ये सिर्फ एक पोजीशन में ही इसकी रोशनी आ रही है। इसमें कोई डार्क ब्राइट नहीं हो रहा है, दिख रहे हैं आप। क्या मतलब है इसका, आप समझ गए होंगे जी हाँ, ये एक एसआर स्टोन है, यानी सिंगल रिफ्लेक्शन, इसमें कोई डबल इफेक्ट नहीं आ रही है, ठीक है, देख रहे हैं। तो ये जो स्टोन है ये एक एसआर स्टोन है, सिंगल रिफ्लेक्शन स्टोन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक तीसरा स्टोन है,
ये भी एक स्टोन है। चलिए ये भी चेक करते हैं, शायद ये डायमंड की तरह लग रहा है, शायद ये डायमंड हो। देख लेते हैं हम इसे एक बार, हम इसे भी यहां रखते हैं। देखिए, अरे वाह, ये तो ब्राइट हो गया। अब इसे हम धीरे धीरे टिल्ट करते हैं। अरे ये क्या हो गया, देखिए एक बार डार्क हुआ और ये ब्राइट हो गया, फिर से ये डार्क ब्राइट, फिर से ये डार्क ब्राइट, देख रहे हैं आप। इसका मतलब क्या है, ये स्टोन हमारा डीआर स्टोन है, यानी डबल रिफ्लेक्शन स्टोन। तो इसका मतलब ये हमारा डायमंड तो नहीं है, ये कुछ और स्टोन हो सकता है, पर ये डायमंड नहीं है। देखिए, जैसा ये एसआर स्टोन था, आपने देखा था ये एसआर स्टोन है, ठीक है, पर एसआर होना मतलब ये डायमंड नहीं है। पर जैसा कि हमने बताया था कि हमें क्वार्ट्स और डायमंड के बारे में पहचानना है कि हमारे पास ये वाला क्वार्ट्स है या डायमंड है, अगर ये हमें जानना है तो हम इसे आराम से इसमें रख के पता कर सकते हैं। अरे नहीं, ये तो डायमंड नहीं है, ये कोई और स्टोन है, ठीक है, हम ये पता कर सकते हैं कि डायमंड नहीं है। जनरली ज्यादातर लोगों के पास क्वार्ट्स ही है, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, और वो क्वार्ट्स को ही डायमंड समझ के आते। तो आप बहुत आसानी से घर पे ही इसे चेक करके पता कर सकते हैं कि आपके पास जो स्टोन है वो क्वार्ट्स है या डायमंड है। दोस्तों, आशा करता हूं मेरे बताए गए तरीके से आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि हम ये पोलारिस को जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसे बन जाएंगे, कैसे हो सकता है ये, और ये कैसे वर्क करता है। इसको बनाना बहुत ही साधारण है। हालांकि मैंने एक बॉक्सेस में बनाया, वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने ये बॉक्स में क्यों बनाया है, ताकि एक बच्चा भी इसे बना ले, ठीक है। आप चाहे तो इसको बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं, या तो मेटल के बॉक्सेस से बना सकते हैं, या फिर किसी वुडन बॉक्सेस से बना सकते हैं, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मेन काम सिर्फ तीन ही होते हैं इसमें, एक एनालाइजर, एक पोलराइजर, ये प्रॉपर होना चाहिए, और तीसरी बात है इसके नीचे एक लाइट सोर्स होनी चाहिए जो लाइट हम उसमें देते हैं। ये तीन चीजों का ही मेन काम है। बॉक्स आप चाहे जैसा भी बना लीजिए, हमें सिर्फ इसे स्टैंड करना होता है, एकदम बराबर में स्टैंड करना होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो मैजिकल शीट्स है, एनालाइजर और पोलराइजर, ये हम घरेलू चीजों से कैसे बना सकते हैं, तो ये बिल्कुल आसान है। ये हर घर में मिलता है, लगभग छोटे बड़े हर शेप में हो सकता है, ये हर घर में अवेलेबल हो जाएगा। इसके लिए मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जिसके लिए बहुत जल्द ही अपलोड करूंगा मैं इसके लिए, तो आप हमारा दूसरा वीडियो ना देखना भूले। और उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे इस शीट्स को हम निकालेंगे घरेलू सामान से, और निकाल के हम इसे कैसे इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे जानने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूले, बहुत जल्दी हम आपके वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। आशा करता हूं आज की हमारी ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।